तो बच्चों, आज आईओटी का नेक्स्ट वीडियो हम बताने वाले हैं। क्या क्या इसमें आपका आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। मुख्य चीज क्या है कि आईओटी आपको शायद अभी क्लियर एकदम समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्याख्या कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक चीज पढ़ता हूँ, एक टाइप की हुई चीज है, बहुत ध्यान से देख सुनना। क्या आपने कभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है या फिर आईओटी इसका फुल फॉर्म है के विषय में सुना है? ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे कि बहुत ही जल्द हम आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, या अभी बहुत से टेक्नोलॉजी हैं जो कि ऑटोमेटिकली कार्य करती हैं। एक सिंपल सा चीज है, मैं यहां दिखाता हूं कि एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपके घर में सब्जी कौन लाता है? इसका जवाब है शायद आप या फिर आपके परिवार का कोई पर्सन लाएगा। ठीक, कैसा लगेगा आपको यदि मैं कहूं कि क्यों ना आपका फ्रिज, जो फ्रिज है आपके घर में, खुद ब खुद सब्जी की उपलब्धता चेक करे और अगर नहीं है तो वो मार्केट में ऑर्डर दे दे, आपका फ्रिज ही दे दे ऑर्डर, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो ये टेक्नोलॉजी अद्भुत है कि नहीं? क्लियर, आपका फ्रिज ही चेक करे कि है कि नहीं है सब्जी, नहीं है तो वो मार्केट में ऑर्डर दे दे कि भाई सब्जी लेके आओ ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखो, और चीज क्या है, बस बस इसी के विषय में आपको आज बताने वाला हूं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे जीवन को और भी आसान बनाने वाला है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हमारे सारे काम ऑटोमेटिक मोड में जाएंगे, मतलब वो खुद ही कार्य करेगा। जो भी उपकरण होगा, हमें उनके विषय में और चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे हम अपने दैनिक काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम दैनिक जो कार्य करते हैं वो खुद ही मशीन जो है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, वो खुद ही कर लेगा। चलो नीचे देखते हैं और क्या है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पे देखो, आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि कैसा होगा अगर दुनिया की सारी चीजें, जो भी जो आप जैसे मोबाइल फोन है, आपका प्रेस है, कूलर है ना, फ्रिज है, आपकी घर की लाइट है, फैन है, जिसे कि दैनिक इस्तेमाल में किया जाता है ना। अब दिया है कि अगर इंटरनेट से कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो जाए, आपका घर का पंखा भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, आपका लाइट भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, कूलर भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, है ना, आपकी घर की दैनिक की इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, है ना, तब वो क्या कहलाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब सब इंटरनेट से चलने वाली चीजें ऑटोमेटिकली, और ये सारे कनेक्टेड डिवाइसेस एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकें, मतलब एक दूसरे को समझें। जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो आपका स्पीकर, आपका कंप्यूटर, तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं, है ना, तभी तो कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही इंटरनेट के द्वारा कूलर आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गया, टीवी भी आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गया, है ना, आपका घर का लाइट भी आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गया, आपका फैन भी आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गया, आपका प्रेस भी आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गया, आपका जो बाकी चीजें हैं घर की, है ना, फ्रिज भी आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गया। मतलब ये कि इन सारी चीजों में इंटरनेट हमेशा कनेक्ट रहेगा। जैसे आपका सीसीटीवी घर में अगर कैमरा लगा देते हो, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, तो आप जब कहीं भी हो, आप अपने मोबाइल से ऑन करोगे तो आपका टीवी ऑन हो जाएगा, जबकि आप घर में नहीं हो। आप कूलर ऑन करना चाहोगे, एसी ऑन करना चाहोगे तो भी ऑन हो जाएगा। और एक बात, ये एक दूसरे को, जैसे टेम्परेचर, जैसे फ्रिज क्या करता है कि देखता है कि जब ज्यादा ठंडा हो गया तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है ना, और अगर वो कम ठंडा है तो अपने आप चालू हो जाता है। ऐसे ही इंटरनेट से वो चीजें, जैसे फ्रिज खुद ही चेक करे कि भाई इसमें सब्जी है कि नहीं है, कौन सी सब्जी चाहिए हमें,
वो सीधे ही कॉल कर दे मार्केट में किसी दुकान वाले को जिसका नंबर हमेशा उसे ऑनलाइन रहेगा, कॉल कर देगा, ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा सब्जी की जरूरत है, वो आला के पहुंचा देगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दिया है कि अगर इसे आसान भाषा में कहूं तब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी उपकरण जो कि ऑन या ऑफ स्विच से चलते हैं उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिए जाएं या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाएं। क्लियर? अब ये तो बहुत अच्छी बात बताई है ना। अब और चीज और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इन उपकरणों के भीतर सभी दैनिक में इस्तेमाल हो रही चीजें शामिल है, जैसे कि सेलफोन्स, ठीक है, कॉफी मेकर्स जैसे कॉफी बनाने वाली मशीन जो होती है, ठीक है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली, हेडफोन्स गाना सुनते हो, लैंप्स, लैंप्स मालूम जो जलाते हो आप पढ़ने उड़ने के लिए, सारे वेरिएबल डिवाइसेस जैसे आप इंटरनेट वाली चीजें पहनते हो, घड़ी है ना, आपका जो स्मार्ट वॉच होती है वो भी इंटरनेट चलती है, वो भी आप पहनने वाले सारे उपकरण उपकरण और वो सब जिसके विषय में आप सोच सकें, है ना, कि ये चीजें हम पहनते हैं। तो ये और भी आसान भाषा में इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मतलब चीजें एक दूसरे से बातचीत कर सके या फिर दूसरे उपकरणों के साथ बात कर सके। तो सीधी सी बात है, आपका मोबाइल जो हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो आपके किससे कनेक्ट हो जाता है, आप कनेक्ट करना चाहते हो तो लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है, एक दूसरे से बात करते हैं ना, ऐसे ही। तो यही चीज है IoT। क्लियर? और ये काम कैसे करते हैं, देखो इनका सेंसर भी होता है ना, ये जो सेंस करते हैं, जैसे ब्लूटूथ, आप ब्लूटूथ का स्पीकर आपने ऑन किया तो ब्लूटूथ आपका मोबाइल भी उसको सेंस करता है कि हाँ किसका किसका ब्लूटूथ है, उसको कनेक्ट करना चाहो तो कनेक्ट हो सकता है अगर पासवर्ड आपको पता है तो। क्लियर? तो ऐसी इंटरनेट से चीजें चलती हैं, तो इनको IoT बोला जाता है। क्लियर? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर? अब हम बेटा नोट से पढ़ते हैं, ठीक है, वो चीज मैंने IoT थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि बच्चों को IoT होता क्या है, क्लियर नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने इसमें क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे जो नोट मैंने आपको दिया है या दूंगा, इसमें लिखा है IoT के मुख्य घटक जो टाइप किया गया है, इसमें दिया है कि अब IoT सिस्टम के चार मूलभूत घटक जिनका उपयोग IoT टेक्नोलॉजी में किया जाता है ना, मतलब ये कि किसके द्वारा, ये जो IoT की दैनिक उपयोग होने वाली जो चीजें होती हैं ये किसके द्वारा चलती हैं, है ना। अब यहां पे दिया है सेंसर, पहला क्या दिया है, सेंसर, सेंसर डिवाइस, सेंसर या उपकरण आसपास के वातावरण से डेटा एकत्र करने में मदद करते हैं। इस एकत्र किए गए सभी डेटा को नेटवर्किंग डिवाइस नेटवर्क के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने में मदद करते हैं तथा उसके अनुरूप कार्य करते हैं। क्लियर? अब सेंसर वाली डिवाइस कौन कौन है मैं बताता हूं आपको। अब बेटा सेंसर को थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं, सेंसर क्या है, इसमें देखते हैं कि अगर आप सामान्य जीवन में सेंसर ढूंढना चाहते हैं तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके घर में ही कई प्रकार की मशीन सेंसर मिल जाएंगे, आपके अपने मोबाइल फोन में कई तरह के सेंसर होते हैं। सही बात है, इसमें टच सेंसर से लेकर आप जब कुछ छूते हो मोबाइल पे टच करके कार्य कर होता है ना, आप अपने फिंगर से अपनी उंगली से बार बार टच करते हो तो वो सेंसर होता है जिसके द्वारा आपका मोबाइल टच करने के बाद कार्य करता है, से लेकर इसमें सेंसर समेत कई सेंसर का इस्तेमाल होता है। यह स्मार्टफोन के युग की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप पुराने समय से उपयोग किए जा रहे सेंसर के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपके घर में टीवी में सेंसर और उसके रिमोट में भी सेंसर लगाया गया है, इसे रिमोट सेंसर कहा जाता है। सही बात है, आप टीवी जब चलाते हो तो एक दूसरे को वो सेंस करते हैं, मतलब महसूस करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। क्लियर? तो इसको रिमोट सेंसर कहा जाता है। क्लियर? सेंसर में बटन दबाने पर इसका सेंसर टीवी के सेंसर से संपर्क करता है, दोनों में सेंसर लगा होता है, रिमोट में भी और टीवी में भी। तो जैसे ही आप रिमोट का टीवी प्रेस करते हो, और सॉरी रिमोट प्रेस करते हो, तो ये जब
इसका रेज निकलता है, तरंग निकलता है, तो वो जाके टीवी के सेंसर से कनेक्ट होता है, एक दूसरे को महसूस करते हैं, सेंस करते हैं, और इसे इनपुट भेजता है, और आपका टीवी चैनल बदल जाता है। आप कई अन्य ऑपरेशन भी इस रिमोट के द्वारा करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं और भी है कि कुछ पुराने रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज, यानी फ्रिज में सेंसर भी होते हैं। यह एक लाइट सेंसर, मतलब हल्का सेंसर है। जब फ्रिज का दरवाजा खुलता है और फ्रिज के अंदर का बल्ब बंद हो जाता है, तो हम बाहर की रोशनी का पता लगा लेते हैं, ठीक। और जैसे ही हम फ्रिज का दरवाजा बंद करते हैं, तो आपका फ्रिज बल्ब जल जाता है, ठीक। आजकल इसके अलावा वाहनों में भी सेंसर भी लगाए जा रहे हैं, सही बात है। जैसे आप देख लो गाड़ी में है ना, हेडलाइट भी देखो, आज के वाहनों में दिन के दौरान हेडलाइट को बंद कर दिया जाता है, और जब अंधेरा होता है तो यह स्वचालित रूप से चालू हो जाता है। इसमें लाइट सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि सेंस होता है। जैसे आप चरपहिया आजकल गाड़ियां देखते हो, तो जैसे ही कोई छूता है तो वो आवाज करने लगता है, अगर लॉक होता है, अगर वहां जिसकी गाड़ी है वो दूर है और लॉक करके गया है, अगर जैसे ही आप उसके दरवाजे को टच करोगे तो वो टी 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 आवाज करने लगता है ना। तो मतलब सेंसर होता है उसमें। और वैसे जब कोई आदमी अपना चाबी लेके दूर से ही अगर बटन दबाता है, तो उसका लॉक खुल जाता है और आवाज होने लगती है, मतलब दूर से ही सेंस कर लेते हैं, क्लियर। तो ये होता है आपका सेंसर। नेक्स्ट दिया है बेटा कनेक्टिविटी। सेंसर द्वारा एकत्रित डेटा को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भेजा जाता है। अब ये क्लाउड क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। क्लाउड, हाँ देखो पढ़ो बेटा, यहां पे दिया है कि इंटरनेट पर स्टोर किए गए डेटा या प्रोग्राम को आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कई विशेषताओं के चलते ही आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे लोकप्रिय तकनीकों में से एक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, क्लाउड मतलब बादल वैसे होता है, लेकिन यह क्लाउड मतलब क्या होता है कि आपने या बहुत से व्यक्तियों ने अपने डेटा को, आप जो कुछ भी टाइप कंप्यूटर में जो कुछ भी रखते हो, वो सब आप कंप्यूटर में न रख करके इंटरनेट पे रख देते हो, है ना। जब इंटरनेट पे से मेल पे रख देते हो, या और भी कई सारे हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, आप सब कुछ अपने मेल पे डाल के रखते हो या इंटरनेट पे डाल के रखते हो, तो जरूरी नहीं कि आपका मोबाइल है तभी वो चीज आप यूज कर पाओ, वो फाइल आप देख पाओ। आप कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अगर इंटरनेट वहां पे चलता है, तो आप अपने फाइल को वहां से प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने अपने कंप्यूटर पे काम किया और अपने फाइल को इंटरनेट पे स्टोर कर दिया, मतलब रख दिया, और आपका कंप्यूटर यहीं पे है और आप दुनिया के किसी कोने में चले गए, घूमने के लिए चले गए, और आपको उस टाइम अपने फाइल की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया, कहीं से भी आपने किसी के भी कंप्यूटर में जाके इंटरनेट चालू किया और वहां से अपने फाइल को इंटरनेट से प्राप्त कर लिया। तो इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लियर। इसको क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, क्लियर, क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। तो आगे पढ़ते हैं, डेटा को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भेजा जाता है, लेकिन उसे भेजने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न माध्यमों जैसे सेलुलर नेटवर्क है ना, सेलुलर नेटवर्क मतलब सेलफोन का नेटवर्क जो होता है गांव में, जैसे शहरों में लगा हुआ होता है, ठीक है। सेटेलाइट नेटवर्क, पता है एक सेटेलाइट दूसरे सेटेलाइट से कनेक्ट होती है, ठीक है। वाईफाई है ना, ब्लूटूथ, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, ठीक है। वैन मतलब क्या होता है, वैन मतलब इंटरनेट ही होता है, दुनिया भर में इंटरनेट चलता है, ठीक है। वैन, वैन को ही इंटरनेट बोला जाता है, दुनिया भर में इंटरनेट चलता है उसी को वैन बोला जाता है, का उपयोग किया जाता है, क्लियर। तो कनेक्टिविटी ये क्या बोलता है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपके घर में या कहीं भी सारे सामान हैं और सब में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सब सब इंटरनेट के द्वारा चलता है, आपका क्रूज सॉरी आपका कूलर, आपका टीवी, आपका लाइट, आपका फ्रिज, ठीक है, आपका लॉक मतलब दरवाजे का लॉक भी आपके मोबाइल से चलता है, इंटरनेट से चलता है,
तो आप मोबाइल से सारी चीजों को ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो, है ना। तो इसी को बोलते हैं कनेक्टिविटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट दिया है आपका डाटा प्रोसेसिंग। दिया है कि एक बार जब डाटा एकत्र हो जाता है और यह क्लाउड पर पहुंच जाता है, देखो इसका मतलब होता है डाटा एकत्र हो जाता है, जैसे मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूं और बहुत सारा डाटा मैंने इकट्ठा कर लिया है और सबको मैंने इंटरनेट पे रख दिया, स्टोर कर दिया, तो वो क्लाउड, इसी को बोलते हैं क्लाउड पर पहुंच जाता है। तब संग्रहित डाटा को प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सही बात है। अब अगर डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, मैंने पहले चैप्टर में अच्छे से इसकी व्याख्या की है, ठीक है। अगर ये डाटा प्रोसेसिंग नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है कि यह एक महत्वपूर्ण घटक है जो डेटा को अंतिम उपयोगकर्ताओं को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा यह सुनिश्चित करता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस वेब, मतलब इंटरनेट की दुनिया को वेब बोलते हैं, इंटरनेट की दुनिया को वेब बोलते हैं। स्मार्टफोन मतलब आपका ये मोबाइल वगैरह, या टैबलेट जो कंप्यूटर होता है पर आधारित होता है। क्लियर। यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लैपटॉप के अंदर है, जब हम काम करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठते हैं, तो वो जो चीज हमें चाहिए वो हमें कैसे वो प्रस्तुत करता है हमारे सामने, उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। क्लियर। आगे और देखते हैं बेटा क्या दिया है कि आईओटी एप्लीकेशंस, मतलब जो आईओटी के एप्लीकेशंस हैं क्या-क्या है ना, जो दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, आईओटी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे अभी पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। देख लो, आईओटी टेक्नोलॉजी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। कुछ प्रमुख क्षेत्र नीचे दिए गए हैं जहां पर वर्तमान में इसका उपयोग किया जाता है। आपको देखो, ये जो मैं नोट है मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, ठीक है। तो आप इसका या तो प्रिंट आउट मरवा लो या तो लिख लो तो बेहतर है, ठीक है। इसमें दिया है, जो मैंने लिखा है उसमें क्या दिया है कि पहला है पार्किंग सेंसर, ठीक है। आईओटी प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं को अपने फोन पर पार्किंग स्थानों की वास्तविक स्थिति और उपलब्धता की पहचान करने में मदद करती है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है, जैसे फोर व्हीलर जिसके पास होता है, गाड़ी होती है, वो अगर कहीं पार्किंग करने जा रहा है, पार्किंग मतलब क्या होता है कि गाड़ी को कहीं खड़ी करना, एक स्पेसिफिक जगह बताई जाती है कि यहीं पे आप चरपहिया गाड़ी खड़ी कर सकते हो। शहरों में ऐसा होता है कि और दूसरी जगह नहीं खड़ी कर सकते, तो वो जगह स्पेशली फॉर फोर व्हीलर्स, मतलब वो चरपहियों के लिए बनी हुई होती है। तो जब भी आप गाड़ी को लेके दाएं बाएं घुमाते हुए उसको पार्किंग सही ढंग से खड़ी करने के लिए जाते हो, उसको बोलते हैं पार्किंग करना। तो उस टाइम ये जो होता है सेंसर आपको बताता है कि आप कहीं टच तो नहीं हो रहा है कहीं, है ना। टच मतलब क्या होता है, कहीं दीवार से तो नहीं टकरा रहे हो तो वो टी 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 आवाज करने लगता है, या कुछ और चीज से पीछे टकरा रहे हो तो भी आवाज करने लगेगा, है ना। तो वो खुद ही आपको बताता रहता है ना। आप जब आगे पीछे करते रहते हो तो आपको बताता रहता है कि कहीं टक्कर, यहाँ टक्कर लग जाएगा, अगल बगल कहीं भी वो आवाज करने लगता है, ठीक है। तो वो पार्किंग सेंसर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा है स्वास्थ्य। कनेक्टेड हेल्थ केयर सिस्टम की अवधारणा वास्तविक समय में स्वास्थ्य निगरानी और रोगी देखभाल की सुविधा प्रदान करती है। यह रोगी डाटा सॉरी डेटा के आधार पर चिकित्सा निर्णय लेने में सुधार करने में मदद करता है। देखो ये बहुत आसान है, आपने टीवी में भी देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा। हॉस्पिटल में कोई भी आदमी जब एडमिट होता है, आईसीयू में भर्ती हो जाता है, या मतलब किसी भी हॉस्पिटल में जाके, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके जब भर्ती होता है, तो उसके स्वास्थ्य को अच्छे से निगरानी में रखने के लिए एक ऑटोमेटिक सेंसर मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके जो पल्स होता है उनका, ठीक है, जो पल्स चलते रहते हैं, उनके शारीरिक बॉडी की स्थिति क्या है, वो पूरा डाटा इकट्ठा करता है मशीन, और कम ज्यादा होता है तो वो बताता रहता है ना, बीप देता रहता है, आवाज करता रहता है। अगर ज्यादा कम हुआ तो भी टी 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 आवाज करना चालू कर देता है,
या तो आपने बहुत सारे पिक्चरों में देखा होगा कि आदमी अगर बीमार है और जब मरने की स्थिति में पहुंचता है तो बहुत ज्यादा टी 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 आवाज होने लगती है ना, क्लियर? तो वो आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे सिस्टमों को, क्योंकि आपके हाथ से कनेक्ट कर दिया जाता है ना, बॉडी में कनेक्ट कर दिया जाता है, वो आपके बॉडी को सेंस करता रहता है, जैसे ही कुछ गड़बड़ी होती है तो आवाज करने लगता है, ठीक है? तो ये कनेक्टेड हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। नेक्स्ट क्या दिया है, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी सभी प्रकार के उपयोग के मामलों को प्रस्तुत करती है, जिसमें यातायात प्रबंधन से लेकर जल वितरण अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल है। देखो, ये स्मार्ट सिटी तो अभी अपने यहाँ बहुत कम है, ठीक है, शायद इक्का दुक्का होंगी। स्मार्ट सिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी शहर को, ठीक है, किसी भी शहर को सोच समझ कर रणनीति के तहत, मतलब परियोजनाओं के तहत बसाना, ठीक है? और जब वो सरकार या कोई भी कंपनी जब सोच समझ के डिजाइन बना के किसी शहर को बसाती है तो वहां पे हर चीज की सुविधा होती है ना। स्मार्ट सिटी मतलब ऑटोमेटिक बहुत सारे कार्य होते हैं वहां पे, है ना, मतलब आपके जल प्रबंधन से लेके लाइट बिजली प्रबंधन से लेके रोड रोड यातायात, बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं और ऑटोमेटिकली वो अच्छे से परफॉर्म करती हैं, कार्य करती हैं, पब्लिक की जरूरत के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करती रहती हैं या वो अपने आप में बदलाव करती रहती हैं। वहां पे हमेशा कोई आदमी उपलब्ध नहीं रहता है, जैसे आप शहरों में गए होंगे तो जैसे ही जहां पे चौराहा पड़ता है वहां पे लाइट रेड या आपका ग्रीन या आपका ये येलो होता रहता है ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो वो चेंज होता रहता है, क्लियर? तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो पब्लिक के लिए बहुत आवश्यकता होती हैं, क्लियर? और वो सब इंटरनेट से चलती हैं, कंप्यूटराइज होती हैं, वो सब स्मार्ट सिटी कहलाती हैं। अभी बहुत सारी चीजें और भी है। देखो बेटा, स्मार्ट सिटी का एक और थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे दुनिया के चंद विकसित देशों की तरह यहां भी ऐसे शहरों का होना आवश्यक हो जाता है जहां रहने वाले तमाम लोगों की सभी जरूरतें स्मार्ट तरीके से पूर्ण की जा सके, है ना? स्मार्ट तरीके, देखो स्मार्ट, अगर हम बोलते हैं कोई व्यक्ति स्मार्ट है, स्मार्ट मतलब होता क्या है? स्मार्ट मतलब होता है कि वो आदमी काफी समझदार है, वो किसी भी कार्य को इतने समय से पहले पूरा करता है, कम ऊर्जा खर्चा करता है ना, मतलब कम समय में ऊर्जा कम खर्चा करके और बढ़िया तरीके से पूरा करता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट। ऐसे ही अगर कोई स्मार्ट शहर है तो क्या होता है कि वो पब्लिक की, जनता की जरूरतों को कम समय में कम ऊर्जा खर्च करके और बढ़िया गुणवत्ता के तरीके से उसको पूर्ण करता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीके से पूर्ण की जा सके, जहां सभी गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाएं कम सेवा मूल्यों पर, मतलब उसका उसका ज्यादा पैसा भी ना लगे, है ना, और सुगमता से प्राप्त हो, क्लियर? अच्छा, यही चीज है कि जो शहरों में, जो व्यक्ति शहर में रह लेता है वो गांव में रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि शहर में हर सुविधा उपलब्ध रहती है, स्मार्ट तरीके से फटाफट पूरी हो जाती है, किसी भी चीज की अगर आवश्यकता होती है तो उसको कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके पास विकल्पों का भंडार होता है कि इस जगह से ले ले सामान या इस जगह से ले ले या घर पे ही कोई सामान देने आ जाएगा, क्लियर? तो वहां पे स्मार्ट तरीके से सिटी में क्या होता है, शहर में क्या होता है, स्मार्ट तरीके से किसी भी व्यक्ति की जरूरत पूरी हो जाती है, इसलिए गांव में रहना जल्दी पसंद नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं मिलती। तो वही यहाँ पे सुगमता नहीं है, गांव में संघर्ष है कि किसी भी चीज की, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है? तो वहां सुगमता से प्राप्त हो जाता है, जहां के लोगों के जीवन यापन के तौर तरीके इतने संतुलित हो कि प्रदूषण की संभावना कम से कम हो, ठीक है? सही बात है, वो स्मार्ट तरीके से गाड़ी चलाते हैं या उनका ईंधन भी ऐसा होता है या वो कम यूज करते हैं,
जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे गाड़ी बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, स्मार्ट तरीके से कार्य होता है। नेक्स्ट कहते हैं, जहां पर घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से न केवल क्षण भर में सभी प्रशासनिक सूचनाएं उपलब्ध हों, वरन प्रशासन संबंध सभी निर्णय भी जनहित का ध्यान में रखकर ही लिए जाते हों। देखो यहाँ पर भी सही बात बोल रहा है कि प्रशासन मतलब सरकार क्या निर्णय ले रही है वो पब्लिक को या जनता को हमेशा ध्यान में रखकर वो कार्य करती है। क्लियर, स्मार्ट तरीके से कार्य करती है कि पब्लिक को समझ में आता नहीं, सही बात है, और पब्लिक को भी आसानी से वो जो सूचना है, प्रशासनिक सूचना है, इजिली आसानी से प्राप्त हो जाती है इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सिटी में ही ऐसा होता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट दिया है कि स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला, इसमें दिया है कि आपूर्ति के दौरान सामान की वास्तविक स्थिति को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ट्रैकिंग में आपकी मदद करता है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, जैसे फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाते हो या पार्सल के द्वारा ऑनलाइन सामान मंगाते हो, कहीं से भी मंगाते हो, तो आपको जब लेट होता है तो आप फोन करते हो या इंटरनेट के माध्यम से पता करते हो कि जो मैंने सामान का ऑर्डर किया है वो अभी कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको सूचना मिल जाती है कि यह स्थान ये अभी यहां पर है, आपको इतने दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला। ट्रैकिंग आसानी से हो जाए, ट्रैकिंग मतलब आपका सामान कहां पे, आप ट्रैक कर लेते हो, पूछ लेते हो, मालूम पड़ जाता है, मोबाइल द्वारा पता कर लेते हो। ठीक है बेटा, तो ये आपका स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये CCC में नया चैप्टर जुड़ा है, इसलिए काफी इसकी व्याख्या कर रहा हूं। और एक चीज और, कि अगर कोई शब्द आपको नहीं समझ में आता जो मैं नोट आपको उपलब्ध करा रहा हूं, तो ये दिमाग में रखना कि मुझसे पूछ लेना। ठीक है, हालांकि वीडियो मैंने काफी अच्छे से इसका एक्सप्लेन कर दिया है, व्याख्या कर दी है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझसे आप पूछ लेना। ओके चल।